हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी नेताओं को अखिलेश की सीधी चेतावनी। डिंपल पर ऐसी वैसी बात बीजेपी करेगी तो मिलेगा जवाब। अखिलेश देंगे बीजेपी को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब। अखिलेश के बार पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। और हम एक बात बता दें आपको, यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोग डिंपल के लिए कुछ भाषा इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कभी भी किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना की सोच भी नहीं सकते, करनी तो बड़ी मुश्किल की बात है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज हमें अच्छी ना लगे। अगर उनको लगता है कि हमने इस प्रकार की कोई टिप्पणी करी है तो उसको उजागर करें, सार्वजनिक करें, उन्हीं को वैसा ही कई हिसाब किताब हम दे दें। और मैं लोकसभा से भी इस्तीफा दे दूंगा। अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हर किसी ने सरकार की नीतियों को लेकर तल्ख होते हुए देखा होगा, चेतावनी की आग में धधकते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार अखिलेश शायद पहली बार अपनी पत्नी डिंपल यादव, जो कभी कन्नौज से सांसद हुआ करती थी, जिन्हें 2019 में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने मात देकर सपा के गढ़ कन्नौज से बेदखल किया था, आज अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए बीजेपी की भाषा पर अखिलेश को एतराज है। बीजेपी सांसद के लिए उनके तेवर तल्ख हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए उनकी भाषा उग्र है, बीजेपी के बड़े नेताओं को अखिलेश की ओर से सीधी चेतावनी है, डिंपल के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोग डिंपल के लिए कुछ भाषा इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ हमें अच्छी ना लगे, वो उन्हीं को वैसा ही कई हिसाब किताब हम दे दें, क्यों हम भी उन्हीं जैसे हैं, हम भी उन्हीं जैसे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बीजेपी के लोगों की और खासकर जो बड़े नेता हैं उनकी भाषा में सुधार आना चाहिए, और भाषा में सुधार नहीं आएगा तो समाजवादी पार्टी जानती है उनकी भाषा कैसे सुधारी जाती है। अखिलेश को सार्वजनिक तौर पर इस तरह से अपनी पत्नी के लिए आक्रामक होते शायद ही कभी देखा होगा, तभी तो वो सीधी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि कन्नौज के सांसद और बीजेपी के कुछ लोग डिंपल के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कोई चीज उन्हें अच्छी ना लगे और उन्हें उसी भाषा में वैसा ही कुछ हिसाब किताब दे दे, क्योंकि वो भी उन्हीं जैसे हैं। अखिलेश साहब कहते हैं अगर डिंपल के लिए बीजेपी की भाषा में सुधार नहीं आएगा तो सपा जानती है उनकी भाषा कैसे सुधारी जाती है। यानी साफ है, अगर अब डिंपल के लिए बीजेपी नेता ऐसी वैसी बात करेंगे तो अखिलेश की ओर से उन्हें करारा जवाब मिलेगा और सपा मैदान में उतर कर लोहा लेने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सुब्रत पाठक की तरफ से भी अखिलेश के तल्ख तेवर पर पलटवार आया है। कभी भी किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना की सोच भी नहीं सकते, करनी तो बड़ी मुश्किल की बात है। अगर उनको लगता है कि हमने इस प्रकार की कोई टिप्पणी करी है तो उसको उजागर करें, सार्वजनिक करें। मैं स्पष्ट रूप से आज ऑन कैमरा पे बोलता हूँ कि मैंने कोई भी अभद्र भाषा यदि डिंपल जी के लिए बोली होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं लोकसभा से भी इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं तो अखिलेश यादव जी अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा दिखाएं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश को सीधी चुनौती दी, उन्होंने सीधी बात कही, डिंपल के लिए उन्होंने कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, अगर अखिलेश सबूत दे देंगे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो राजनीति की सतह पर कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो वक्त बताएगा, वक्त के साथ सच्चाई भी सामने आ जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।